एक काम करो, एक पागल कुत्ते को आप लोग पकड़ो और भाई मुझे कटवा दो। भाई होश में भी मुझे रिद्धिमा तिवारी विद्या बालन लग रही है। आखिर उल्लू वालों ने ये क्या बनाया है? तो फाइनली मैंने यहाँ पे पुरानी हवेली वेब सीरीज का ट्रेलर देखा। अब इस ट्रेलर में क्या अच्छा और क्या बुरा है, यही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब फटाफट से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस ट्रेलर को देखकर भाई भूल भुलैया मूवी की याद आ गई। भूल भुलैया के पार्ट वन को बनाने में 32 करोड़ लगे थे, उसके बाद फिर भूल भुलैया का पार्ट टू बना था 72 करोड़ में, और अब भाई भूल भुलैया का सीजन थ्री आप लोगों को उल्लू ऐप पर देखने को मिलने वाला है। इससे बड़ा चीज और क्या चाहिए। पैसे आपके सामने, 2-3 लाख में बनी हुई भूल भुलैया का पार्ट थ्री देखो और मजे उठाओ। हम लोगों को याद है मंजुलिका का कैरेक्टर कितना पावरफुल था। इसमें आप लोगों को मंजुलिका के रूप में अनीता जायसवाल देखने को मिल रही हैं, और गुरु इसमें आप लोगों को विद्या बालन के रूप में रिधिमा तिवारी देखने को मिल रही हैं, और अक्षय कुमार के रूप में आप लोगों को ये एक्टर देखने को मिलेंगे, ना जाने ये कौन है। और इस सीरीज में एक एक्ट्रेस आप लोगों को और देखने को मिलेंगी जिनका नाम है माही कौर। लिटरली एकदम सच कह रहा हूं, अगर मंजुलिका का कैरेक्टर इनको दिया जाता तो कहीं ना कहीं ये मंजुलिका का कैरेक्टर काफी अच्छे से प्ले करती। स्टोरी बताने की जरूरत तो आप लोगों को है नहीं। स्टोरी में समझो आप लोगों को एक दरवाजा देखने को मिलेगा जिसके पीछे रहती है मंजुलिका, जो निकल जाए तो भाई तबाही मचाना शुरू कर देती है। ठीक इस सीरीज में भी ऐसा ही होने वाला है, लेकिन सीरीज की स्टोरी एक्चुअल क्या क्या हमें दिखाएगी, कितने सीन होंगे, ये तो भाई मुझे भी नहीं पता। सीरीज को रिलीज हो जाने दो, उसके बाद फिर मैं रिव्यू लेकर तो पहुंच ही जाऊंगा। इस सीरीज को 7 जून को रिलीज कर दी जाएगी उल्लू के ऐप पर, और गाइज इस सीरीज में हो सकता है आप लोगों को 6 या फिर 7 एपिसोड देखने को मिले। एकदम देखना चाहता हूँ कि इस बार भूल भुलैया का पार्ट थ्री उल्लू के ऐप पर नजर आता कैसा है। इंतजार करूंगा इस सीरीज का। तो गाइज मिलता हूं आप लोगों से इस सीरीज की फुल रिव्यू को लेकर, तब तक के लिए मैं चलता हूं। टेक केयर, बाय बाय।